वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का बेटा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन इन शिफ्टिंग यूनिट चार्ज बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स। यानी अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास, सपोज पॉइंट चार्ज का है, फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हो सकती हैं लाइक दिस, इस तरह से। और सपोज मुझे निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि एक कूलम चार्ज को, यूनिट चार्ज को, अगर मुझे पॉइंट बी से पॉइंट ए पे शिफ्ट करना हो, उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए बी ऐसे लिख सकते हैं, विच इज एक्चुअली पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। वो जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट किया था ना लास्ट वीडियो में कि चार्ज को इन्फिनिटी से लाना हो पॉइंट बी तक, तो वो पोटेंशियल ऑफ बी हो गया। चार्ज वन कूलम को इन्फिनिटी से लाना हो पॉइंट ए तक, वो पोटेंशियल ऑफ चार्ज पॉइंट ए हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें इन्फिनिटी टर्म नहीं आएगी, सीधा बी से ए तक जाने में, इन्फिनिटी नहीं यूज करना, इतनी दूर से नहीं आना, सिर्फ बी से ए तक जाने में जो वर्क डन हुआ उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ, सारा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली जाएंगे डेफिनेशन पे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वही चक्कर कि हम वन कूलम चार्ज तो बहुत बड़ा होता है, नहीं ला पाएंगे, तो हम एक छोटा चार्ज जो है टेस्ट चार्ज उसको शिफ्ट कर लेंगे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसके बाद फिर जो वर्क होगा उसको हम चार्ज से डिवाइड कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, और ये ग्रेडियंट एक टर्म जो है पहले भी पढ़ चुके हैं 10+1 में, वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट था, प्रेशर ग्रेडियंट था। ग्रेडियंट मतलब चेंज इन अ क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा एक मीटर लेंथ में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए तो इसको शुरू करने के लिए कॉन्सेप्ट को सपोज कर लीजिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट। तो मैंने जब डाइपोल डिस्कस किया तो थोड़ा बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन था फोर्स ई इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स पर यूनिट चार्ज कहा था। तो अगर मैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगी फोर्स ऑन गिवन चार्ज। यही हमने डाइपोल में किया था, डाइपोल पे हमने चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू थे, उन पे दो फोर्स दिखाए, वो फोर्स थे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज पॉजिटिव था उस पे फोर्स लगी थी अलोंग द फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगी थी अगेंस्ट द फील्ड। तो गिवन चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो पहले मैं एक्स्ट्रा इंक रेज कर दूं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट हैंड साइड को है, एक वन कूलम चार्ज को अगर आपने पॉइंट ओ से पॉइंट पी पे लेके जाना है, वन कूलम नहीं रखना तो फिर टेस्ट चार्ज रख लेना, बाद में उसको क्यू नॉट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी सारा ट्रीटमेंट सेम है। ओके, सो पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जाने में जो वर्क होगा, चार्ज वन कूलम पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अगेंस्ट आपको वर्क करना है, तो फोर्स अभी बताया मैंने इक्वल टू चार्ज इंटू फील्ड होती है, लेकिन चार्ज अगर आपने वन कूलम लिया तो वन इंटू ई, और जो बच्चे या कुछ बुक्स में क्यू नॉट ही लिखा हुआ है टेस्ट चार्ज को तो फिर क्यू नॉट इंटू ई लिख लेना, लेकिन एंड में क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। ओके, फोर्स आ गई ई अलोंग द फील्ड, और हमने जाना है अगेंस्ट द फील्ड। जैसे आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे, यानी जो फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ओके, सो आपने जाना है अगेंस्ट द फील्ड,
अगेंस्ट द फील्ड में जब जाते हैं तो वर्क होता है फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो दोनों में एंगल कितना 180, कॉस ऑफ 180 कितना -1, तो माइनस आगे लगा दीजिए, ये वर्क डन आ गया, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्टली 1 कूलम चार्ज यूज कर लिया है, तो वर्क डन इन शिफ्टिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, उसको बोलते ही पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, ये बहुत लंबा डिस्टेंस होता तो आप लिखते V2 - V1, अब क्योंकि ये छोटा सा ही है, छोटे से के लिए लिखेंगे dV, जैसे आप 11th क्लास में चेंज इन वेलोसिटी को V - U लिखते थे, लेकिन अगर चेंज थोड़ा सा है तो उसको dV लिखा आपने, बस वो d स्मॉल v था, पोटेंशियल के लिए कैपिटल V यूज करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। ये 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क हुआ, उस वर्क डन को बोलना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो V2 - V1, थोड़ा सा हुआ तो dV। ओके, dr से अगर मैं डिवाइड कर दूं और माइनस साइन को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा E = -dV/dr। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला फॉर्मूला है, और अभी जो आपके सामने ट्रीटमेंट चल रहा है इस स्लाइड पे, नोट डाउन जरूर कर लेना, एग्जाम में नहीं आएगा, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स आपको समझाने के लिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, वो पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मतलब चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ, dV/dr। तो dV/dr जो है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो उसका अगर नेगेटिव साइन साथ में लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट के बराबर होता है। नेगेटिव पॉइंट अब क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, यानी जिधर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूस होगा, राइट हैंड साइड को पोटेंशियल कम होता जाएगा, लेफ्ट को बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर इधर को कम हो रहा है, यानी कि dV/dr का साइन अगर इधर को चलते हुए नेगेटिव आया, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होगी। दोबारा बता रहा हूं एक बार, अगर आप राइट को चलते गए, पोटेंशियल डिक्रीज होता गया, यानी कि जो dV का वैल्यू है वो नेगेटिव आया, तो dV/dr अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे जो माइनस साइन आएगा वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, तो जिधर को पोटेंशियल डिक्रीज होता है या पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है, तो ये पॉइंट हमें आगे जाके कई सिचुएशन में यूज करना पड़ेगा। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, तो अगर उस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो ये मीनिंग है इस लास्ट लाइन का। तो एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब टर्म आ गई एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम से क्लियर है, इक्वी मीन सेम, पोटेंशियल जिस सरफेस पे सभी जगह सेम होगा उसको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हर तरह के चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो दो चार्जेस का सेटअप भी हो सकता है, या फिर कोई शीट ऑफ चार्ज भी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकता है, तो उन सभी के इक्वी पोटेंशियल जो हैं वो डिफरेंट शेप के होंगे, लेकिन डेफिनेशन इज अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी इज सेम, इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिज हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप ना इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट हैंड साइड,
यहाँ पे एक मैं वन कूलम चार्ज रखूं, उस पे फोर्स भी राइट को होगा। हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल इस सरफेस पे हर जगह सेम होना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल आएगा। इक्वल पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। बहुत अच्छे, यानी कि अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है इस सरफेस पे, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन जीरो करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहां से यहां जाता हूं, तो नोटिस करिए जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ राइट एंगल पे है, फोर्स राइट हैंड साइड को, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को। आया इधर को भी कर सकते हैं आप, ऐसे आ जाए, मान लीजिए इधर को आएंगे तो भी ये एंगल 90 बनेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में मुझे वर्क नहीं करना पड़ा, और वर्क डन ऑन वन कूलम चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल है सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सेम। बस वही मैं चाहता था, हमें एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जहां पे सभी जगह पोटेंशियल सेम हो। हाँ, लेकिन अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड को, तो मुझे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना है, जैसे आपने कुली वाला केस किया हुआ था। अगर आप पार्किंग में घूम रहे हैं, तो आपको वर्क डन करना था जीरो, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के परपेंडिकुलर था। हाँ, लेकिन आपको अगर एक लिफ्ट में छत पे लेके जाना है, तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे, लिफ्ट का मोशन ऊपर को, अगर आप फोर्स के अगेंस्ट मूव करेंगे तो वर्क करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती थी वहां पे। यहां भी अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए तो आप फील्ड के अगेंस्ट आएंगे, सो इस सरफेस का पोटेंशियल होगा डिफरेंट, इसका होगा डिफरेंट। तो ये पूरा का पूरा एक सरफेस है जिसपे हर जगह पोटेंशियल इक्वल है। हाँ, ये भी एक और सरफेस है जहां हम सभी जगह पोटेंशियल सेम है, लेकिन इसका पोटेंशियल इसके बराबर नहीं है। तो सरफेस वन मैंने बोला था जिधर को पोटेंशियल कम होता है, रिड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को होता है। तो यहाँ पे हो सकता है 5 वोल्ट का पोटेंशियल हो, यहाँ पे 4 वोल्ट हो, यहाँ पे 3 वोल्ट हो, लेकिन ये इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये ब्लू वाले सरफेस पे, ये सभी 3 वोल्ट पोटेंशियल पे होंगे, ये सारे 4 वोल्ट पोटेंशियल पे होंगे, ये सारे 5 वोल्ट पोटेंशियल पे होंगे। ओके, होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका पोटेंशियल वी वन, इसका वी टू, इसका वी थ्री, लेकिन ये पूरे सरफेस का वी थ्री है हर एक पॉइंट का। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो यूनिफॉर्म, फील्ड के इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पैरेलल प्लेन्स होते हैं, बी केयरफुल, पैरेलल प्लेन्स। अब अगर एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो, ये मैंने फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी है, तो जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जो पॉइंट्स 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर पे हैं, सभी जगह आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम मिलेगा। लेकिन थोड़ा दूर चले जाएंगे तो डिस्टेंस 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर पे सभी जगह पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो इसके पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जो हैं वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, स्फीयर्स विद सेंटर एट द पॉइंट चार्ज। लेकिन स्फीयर आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो आपके पास ये वर्किंग एरिया है वो 2 डिमेंशनल है, तो आप ड्रॉ करेंगे सर्कल्स, स्फीयर्स नहीं ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये ब्लू वाला पार्ट हो गया एक, सभी जगह पोटेंशियल सेम। थोड़ा बाहर को आएंगे पोटेंशियल कम हो जाएगा, लेकिन इन सब का पोटेंशियल सेम, अगेन इन सब का पोटेंशियल सेम, एंड सो ऑन। ओके, सो आइसोलेटेड चार्ज का इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस का जो शेप है वो होंगे इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो वीडियो को पॉज करके एक बार डायग्राम को ड्रॉ कर लो। अगला जो कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को अप्लाई करेंगे कि उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे नजर आएंगे। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि ये जो सरफेस है, मैंने तो शीट्स ड्रॉ कर दी हैं, जिन बच्चों को ड्राइंग में थोड़ी प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते हैं
वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये राइट हैंड साइड को बेटा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस को ना ऐसे डॉटेड पैरेलल लाइन से भी दिखा सकते हो, ये भी चलेगा। तो थिक से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉटेड लाइन से हो गया इक्विपोटेंशियल सर्फेस, इसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। पॉइंट चार्ज का पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे जैसे बाहर को आएंगे वो कम होता जाएगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो मैंने बताया था ना आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो उतना ही पोटेंशियल में चेंज बड़े लेंथ में जाके आएगा जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे, क्योंकि दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम, स्ट्रेंथ कम तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम। तो अगर यहां पे मान लीजिए 3 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, चेंज तो 3 से 2 में 1 वोल्ट का आया, 2 से 1 में भी 1 वोल्ट का आया, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा लग गया, यहाँ पे कम डिस्टेंस में चेंज आ गया, यहाँ पे वही चेंज ज्यादा डिस्टेंस में आया, ज्यादा डिस्टेंस में आया, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, ग्रेडियंट कम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस अंदर की तरफ होंगे पास पास, क्लोजर टू ईच अदर, जैसे जैसे बाहर को आएंगे उनमें गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे फील्ड लाइंस चेक करिए काफी कंडेंस्ड है, पास पास में है, इधर खुली खुली है, खुली खुली लाइंस, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज है ना वो उतना ही चेंज ज्यादा डिस्टेंस में आएगा, तो यहाँ पे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस खुले खुले मिलेंगे। इधर ये सर्कल जो है वो पास पास में ड्रॉ नजर, ध्यान से देख लीजिए, तो मैंने इसलिए इसको जूम इन कर दिया है ताकि आपको आराम से विजिबिलिटी आपकी ठीक बन जाए। तो अंदर की तरफ आपने ड्रॉ करने हैं पास पास में, बाहर की तरफ ड्रॉ करने हैं दूर दूर। अब इसके बाद मैं फिर छोड़ता हूं आपके लिए कि आप ड्रॉ करेंगे अगर दोनों चार्जेस, ये तो एक प्लस क्यों था एक माइनस क्यों था ना, प्लस से फील्ड लाइन निकली माइनस में चली गई, अगर दोनों प्लस प्लस होते तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैसे होते, वो मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए एक्सरसाइज, तो वो अपने आप करेंगे। अब 2009 का एक क्वेश्चन है, पहला पार्ट था क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ये जो पिछला वीडियो हमने किया उसमें डिस्कस हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विटोरियल सरफेस पे क्या था बेटा, 0। बहुत अच्छे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, पीछे जो हमने स्लाइड यूज की उसमें हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए वो थे पैरेलल प्लेन्स, लेकिन यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कोरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन मान लो राइट हैंड साइड को है, तो राइट हैंड साइड को अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है लेकिन डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट है, मैग्नीट्यूड में बढ़ता चला गया, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था वीक और इधर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया स्ट्रॉन्ग। तो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे स्ट्रॉन्ग होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस पास पास में होंगे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस में डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आपने ये पॉइंट कंसिडरेशन में रखना है, तो इसको भी वीडियो को पॉज करिए और एक बार डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर 0। तो जेड एक्सिस मैंने आपको राइट हैंड साइड को बताई दी। अब इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की प्रॉपर्टीज, पहला है वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज या 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस इज 0। रीजन बड़ा सिंपल, मैंने बताया सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल होता है सेम, पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, और पोटेंशियल डिफरेंस ही है वर्क डन इन शिफ्टिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन होगा 0।
दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर राइट एंगल पे होंगी। रीजन इज अगेन सेम, क्योंकि वर्क होना नहीं है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, और जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू चार्ज मूव्ड वो 1 कूलम, जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट डी एल, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में वर्क डन 0 आना चाहिए। वर्क डन 0 मीन्स ये जो अंदर डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी आपने कुछ ना कुछ दी, तो फिर कॉस थीटा 0 होना चाहिए। तो कॉस थीटा 0 जो है वो तब आता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। वेरी नाइस, थीटा अगर 90 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्प्लेसमेंट में, एंगल अगर 90 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डीएल का जो एंगल है वो 90 है, डीएल वो डिस्प्लेसमेंट है जो आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देनी है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल होगा 90 डिग्री। सो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में बेटा कई बार, 1 मार्क, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपने यही जो ऊपर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है यही आंसर दे देना। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगेन वेरी सिंपल, अगर दो सरफेस इंटरसेक्ट कर गए तो उन सरफेसेस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, मैं ट्राई करता हूं डायग्राम ड्रॉ करने की। मान लीजिए ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, डायग्राम 3D है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ऐसे, और ये इधर से ऐसे। होप के आपको फिगर समझ आ गई होगी। ये है सरफेस नंबर 1 और ये है सरफेस नंबर 2, और ये दोनों सरफेस इस लाइन के अलोंग कर रहे हैं इंटरसेक्ट। होप समझ आ गया होगा, ये पूरा का पूरा एक सरफेस है, ये जो लाइन बनी हुई है ये कंटिन्यूस लाइन है। ऐसे थोड़ा डार्क कर देता हूं इसको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एक सरफेस है। ओके, तो मान लीजिए ये सरफेस है जिसका पोटेंशियल है 7 वोल्ट और ये एक सरफेस है जिसका पोटेंशियल है 3 वोल्ट, और इस लाइन पे ये दोनों सरफेस क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल 7 भी है और यहाँ पे पोटेंशियल 3 भी है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। बस यही फंडा है इसमें, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट हो गए तो उन पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ना वहां पे हो जाएंगे दो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया सर्फेसिस इक्विपोटेंशियल इंटरसेक्ट कर गए वो इम्पॉसिबल है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी बता चुका वैसे पहले मैं आपको, वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आर क्लोजर, वो पास पास में होंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे स्ट्रॉन्ग वहां पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आर क्लोजर, हाँ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे उनमें जो गैप है, डिस्टेंस है, वो ज्यादा होगा।